नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार, मैं हूं प्रीति। जिला पंचायत में करोड़ों रुपए के टेंडर पर रोक लगा दी गई। डीएम से शिकायत के बाद सीडीओ ने टेंडर प्रक्रिया को रोकते हुए अपर मुख्य अधिकारी से सूचना रिकॉर्ड तलब किए हैं। बुधवार के दिन जिला पंचायत कार्यालय में 16 करोड़ के टेंडर उठाए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपर मुख्य अधिकारी ने अपने चहेते ठेकेदारों को टेंडर दे रहे हैं, जबकि पंजीकृत ठेकेदारों को इससे दूर रखा गया है। इस प्रकरण की शिकायत पंजीकृत ठेकेदारों ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह से करते हुए सड़क से जुड़े टेंडरों में करोड़ों रुपए का खेल होने की आशंका जताई थी। ऐसे ठेकेदारों का कहना था कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की देखरेख में टेंडर बिक्री का काम कराया जाए, जिसको गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने अपर मुख्य अधिकारी और मुख्य अभियंता की कार्यशैली को संदिग्ध मानते हुए मुख्य विकास अधिकारी को पूरे मामले की जांच पड़ताल के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी नागेंद्र शर्मा ने 16 करोड़ के टेंडरों पर रोक लगा दी। उधर दूसरी तरफ जिला पंचायत के टेंडरों के झोलमाल की शिकायत सपा के सदर विधायक राजकुमार उर्फ राजू यादव ने एक शिकायती पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजी थी। फिलहाल अब पूरे प्रकरण की जाँच मुख्य विकास अधिकारी करेंगे, उसके बाद ही टेंडर की बिक्री की जाएगी। और मैंने लखनऊ करोड़ों से पंचायत राज से बात किया है और डीएम में कुछ बात की मैंने, तो डीएम साहब ने मुझसे कहा है कि मैंने रोक लगवा दी है। सीडीओ साहब से कह दिया है, सीडीओ साहब को सुनाया अभी, उन्होंने कहा टेंडर के लिए नहीं खुलेंगे। मैंने कह दिया है, चिट्ठी जा रही है उनकी। मैं ये चाहता हूँ अगर टेंडर सही हैं तो खोले जाएँ, या तो कहीं भी गड़बड़ी है, चूँकि मामला करोड़ों रुपये का है ये, और जिला पंचायत अध्यक्ष जो कि एक महिला है, वो महिला बहुत सम्माननीय होती है, लेकिन आज तक उस महिला ने कहीं भी कोई दखल नहीं दिया। उनके तथाकथित पति पूरी जिला पंचायत चला रहे हैं। पैसा है, सरकार का पैसा है, जिले में लगे, जिले का विकास हो, यही मेरा प्रयास है।